हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी सूटी बस डाला है मैंने, मेकअप करना बाकी है और ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी मैं, ना ही आज ज्वेलरी ज़्यादा पहनूँगी क्योंकि मेरी पता नहीं क्या एलर्जी हो गई है, दाने वाली एलर्जी हो गई पूरी स्किन पर, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं पहन सकती हूँ ज़्यादा टाइम तक। तो इस बार सिंपल ही रहेगा मेरा, नो ज्वेलरी नो हैवी मेकअप। और ऊपर से फिर मुझे सर्दी भी हो रही है बहुत तेज़, और एक दिन पहले बुखार भी आया था, तो इतनी ज़्यादा मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है। और यहाँ इस कॉर्नर में मैं करूँगी पूजा, तो अभी मैंने बर्तन वर्तन धुल के रखे हुए हैं पूजा के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी का मैं हलवा पूड़ी और जो भी भोग के लिए सामान बनाऊँगी वो पहले मैं बना करके उसके बाद श्रृंगार करने के बाद बनाऊँगी। तो ये है मेरा श्रृंगार की थाली, और मैं पहले श्रृंगार करूँगी उसके बाद फिर किचन में मैं हलवा पूड़ी से ही करती हूँ पूजा, और सब्ज़ी वगैरह मैं उसके बाद में बना लूँगी क्योंकि पूजा का भी टाइम है 6:30 तक का, तो उसके लिए मुझे 6:30 से पहले ही पूजा करनी है। तो मैं भी फटाफट से अपना श्रृंगार शुरू कर देती हूँ। और आयंस को तो पूछो ही मत, आयंस मुझे इतना ज़्यादा परेशान करने लग गया है अब, बार बार उसे पता है कि मम्मा वीडियो बना रही हैं, तो वो जानबूझकर उतनी ही बार परिक्रमा लगाता है के साथ। ये सब करना थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है, और वैसे तो नहीं इतनी कोई ज़्यादा आयंस को मैं हैंडल कर लेती हूँ, बट मेरी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है और ज़ुकाम तो मुझे इतना ज़्यादा हो रखा है कि आवाज़ ही नहीं निकल रही है मेरी। बस मैं जैसे तैसे व्रत रखा है मैंने अपना, बस श्रद्धा से अपना पूजा पाठ में लगी पड़ी हूँ कि बस हो जाए मेरा कंप्लीट कैसे भी। एकदम गला मेरा बिना पानी के खिंच भी रहा है क्योंकि ज़ुकाम में और ज़्यादा गले की प्रॉब्लम हो जाती है, और मुझे तो आज सच में बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो मैंने पूजा भी इसीलिए जल्दी जल्दी से कर दी कि फटाफट से मेरा थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा मुझे बीच में, और तो मैं भी सारा मेकअप करके उसके बाद आपको दिखाऊँगी अपना लुक कैसा है। तो अभी हम हो गए हैं रेडी, और ये है हमारा फाइनल लुक। मैं इयररिंग्स भी मैंने चेंज नहीं किए क्योंकि मैं थोड़ा आज ज़्यादा ही हालत ख़राब है, तो मैंने कहा ऐसे ही रहने दो जो भी है। और मैंने जो भी चूड़ा भी पहना था वो भी मैंने निकाल दिया, बस मैंने एक ही कंगन पहन के आगे चूड़ी डाल रखी थी बस। और ये है मेरी पूजा का सामग्री, जो भी मुझे पूजा में ज़रूरत पड़ने वाली है मैं एक साथ ही रख ली थी सारी। और हम करेंगे पूजा स्टार्ट। तो सबसे पहले तिलक विलक करेंगे और करवा माता को माला पहनाएंगे, चुनरी पहनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले पवित्रीकरण होगा हमारा, तो मैं ये पवित्रीकरण कर रही हूँ, और ये वाली क्लिप आयंस शूट कर रहा है, ये क्लिप आयंस ने शूट किए हैं दोनों, और मुझे बीच में थोड़ा बोलना पड़ा था आयंस अच्छे से। और बता रहा आप कैसी हैं, वैसे मुझे तो अच्छा लगा, उसने मतलब मेरी हेल्प भी कर दी एक तरह से मुझे, वरना बार बार कैम उसको ट्राइपॉड को सेट करना पड़ता है, यहाँ रखो फिर उधर रखो, उसने मेरी थोड़ी हेल्प कर दी। पर लेकिन उसको इतना भी नहीं पता है कि कहाँ कैसे, तो वो कहीं भी पटक देता है फ़ोन को एकदम से। ये सारी क्लिप आयंश ने ही सूट किए हैं। तो अभी बस हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है।
हमारी पूजा हो गई है संपन्न। और अब हम अपनी जो सासू माँ का हमने मंस के रखा है सामान वो अलग कर देंगे और बाकी का पूजा के यहीं रखे रहने देंगे सामान, क्योंकि अभी तो चंद्रोदय में काफ़ी टाइम है, 8:30 के करीब निकलेगा। तो जब तक हम किचन में जाएंगे सब्जी वगैरह बनाएंगे। आटा वाटा तो मैंने लगा के रखा पहले से। ये है मेरी सासू माँ का सामान, साड़ी और श्रृंगार। और अब हमारी पूजा हो गई है टाइम से, और उसके बाद अंश के पापा भी आएंगे तो वो भी उसी टाइम तक आ पाएंगे, शायद चंद्रोदय होने से पहले थोड़ी देर पहले आ जाएं। और ये देखिए इसकी हरकत, ये ऐसी हरकतें करता है तो मुझे कभी तो इस पर हंसी आती, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता। और ये उस दिन ज़्यादा करता है जब मेरा कोई स्पेशल डे या फास्ट वगैरह हो, उसे पता रहता है कि मम्मा आज मुझे मारेगी नहीं, तो खुल के शरारत करता है। तो अभी बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, अंधेरा तो हो गया है लेकिन अभी चंद्रमा निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो यहीं पर निकलेगा। और हम जब तक किचन में जाएंगे और सब्जी वब्जी बनाएंगे। और मैं हो गई हूँ फ्री और 1 घंटे से बालकनी में बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ चंद्रमा का, और फाइनली चंद्रमा निकल आया है। क्योंकि यहाँ बिल्डिंग्स की वजह से थोड़ा हमें लेट दिखाई दिया था।